हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल डिटरमिनेशन ऑफ विस्कोसिटी बाय ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। आज हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने वाले हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की हेल्प से। दिस इज ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, एक यू शेप की ट्यूब है और इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसे सीखते हैं। विस्कोसिटी, सबसे पहले तो विस्कोसिटी होता क्या है, लिक्विड स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक। ऊपर वाली लेयर तेज़ी से फ्लो करती है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फ्लो करने से रोकती है। उस रेजिस्टेंस फोर्स जो ऊपर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर लगा रही है और उसे फ्लो करने से रोकने की कोशिश कर रही है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ही विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन तो ये हो जाता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को फ्लो करने से रोकती है, दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जो लिक्विड बहुत देरी धीमे धीमे फ्लो करेगा वो ज़्यादा विस्कस है, जो तेज़ी से फ्लो करेगा वो कम विस्कस है। जैसे पानी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, लेकिन ग्लिसरीन या फिर हम ग्लिसरीन का एग्जांपल ले लें या फिर किसान वाला टोमेटो केचप ले लें, तो वो किसान वाला टोमेटो केचप धीरे धीरे आता है क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस टाइप का मामला हो जाता है। तो विस्कोसिटी आपके पास जितनी ज़्यादा होगी फ्लूडिटी उतनी कम, विस्कस जितना कम होगा फ्लूडिटी उतनी तेजी से होगी, तो उसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर जो आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो विस्कोसिटी को जो हम मीज़र करेंगे वो हम यहाँ पर वाटर के रिस्पेक्ट में, एक हमने यहाँ पर वाटर है। इसके लिए पहले तो प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बता दूँ। एक स्टैंड है हमारा जो विस्कोमीटर को हम अटका देंगे, विस्कोमीटर स्टैंड हो गया। ये छोटी छोटी सी बॉटल्स आपको दिख रही होंगी, ये आरडी बॉटल्स हैं। ये आपका, इसमें हमने पानी भरा हुआ है और ये हमने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया है, ये लिक्विड है, ये K2Cr2O7 का लिक्विड लिया है। इसी की विस्कोसिटी हम निकालने वाले हैं। वैसे ग्लिसरीन या कोई भी दूसरा लिक्विड ले सकते थे, बट हमारे पास अभी फ़िलहाल ये वाला अवेलेबल था तो हमने K2Cr2O7 वाला लिक्विड ले लिया। तो वाटर एक स्टैंडर्ड विस्कोसिटी है, वाटर के रिस्पेक्ट में हम इसकी कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला के बेसिस पर। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो विस्कोसिटी है उसको ईटा लेटर से डिनोट करते हैं। ये लिक्विड, ये वाले लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करेंगे और ये वाटर की विस्कोसिटी है। फॉर्मूला भी बहुत आसान है, अगर यहाँ एल है तो डी एल टी एल, अगर यहाँ ईटा ऑफ वाटर है तो डी डब्ल्यू टी डब्ल्यू चल रहा है। अब सवाल ये उठता है ये डी टी है क्या क्या चीज़ें, तो ये टाइम रीडिंग्स हैं जो हम इससे कैलकुलेट करने वाले हैं इसकी हेल्प से, यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डेंसिटी कैसे निकालेंगे उसको बता देंगे। तो हमें वाटर की विस्कोसिटी पता होती है, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो अगर मेरा विस्कोसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, T1 और TL और TW इस वाले ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की हेल्प से आ जाएगा। दूसरी चीज़ रहेगी डेंसिटी की, तो अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं सबसे पहले डेंसिटी, अगर मुझे ये सारा डेटा पता चल जाए तो मेरा लिक्विड का विस्कोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिक्विड की विस्कोसिटी निकालने के लिए मेरे को ये 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 और ये चाहिए, एटलीस्ट 5 नोन चीज़ें होनी चाहिए, तभी एक अननोन इसी एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस डेंसिटी को ही कैलकुलेट करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका लिक्विड का मास कैसे निकालेंगे, उसी मास को कैलकुलेट करने के लिए ही हमें इस आरडी बॉटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस आरडी बॉटल से हम क्या करेंगे, ये आरडी बॉटल है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, स्टैंड है, ये यहाँ पर वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन से हम वे कर लेंगे इनको। तो हम इसमें वेट करेंगे, ये खाली आरडी बॉटल है, तो यहाँ पर हम वेइंग मशीन भी दिखा देंगे। हमारे कैमरामैन हमारे साथ, जरा विस्कोसिटी इनका ये दिखा दो, वेइंग मशीन कैसी है, छोटू सा बच्चा है हमारे पास, विस्कोमीटर वेइंग मशीन है, हमने इसको ऑन किया, हेलो बोल रही है आपको, हेलो बोल सकते हो आप लोग इनको। तो ये 0 ग्राम पर सेट है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको टेयर करके, तो अभी आपको ये रीडिंग दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर अभी 0 ग्राम पर सेट है। तो ये आरडी बॉटल जो है हमारी, इस आरडी बॉटल को हम इसके ऊपर रख देंगे और इस खाली बॉटल का वेट मेज़र कर लेंगे। तो खाली बॉटल का वेट जो आ रहा है वो 3.175 ग्राम आ रहा है, वैकेंट आरडी बॉटल। अभी जो हमने बॉटल मेज़र करी है खाली बॉटल, उस आरडी बॉटल का जो मास आया है, वैकेंट आरडी बॉटल का मास, वो आया है 3.175 ग्राम।
अब हम इस खाली आरडी बोतल में क्या भर लेंगे, वाटर भर लेंगे। ये जो खाली आरडी बोतल है इसमें हम वाटर भर लेंगे और खाली आरडी बोतल में वाटर, इस खाली आरडी बोतल में हम वाटर फिल कर लेंगे और वाटर भरने के बाद हम इसका मास मेज़र कर लेंगे। ये जो आरडी बोतल है उसका जो वॉल्यूम है वो 25 ml है, तो 25 ml तक हम इसको पूरा फिल कर लेंगे और उसके बाद हम इसका वेट फिर से दोबारा से मेज़र कर लेंगे कि इसका वेट कितना आने वाला है। तो फिलहाल ये वाली आरडी बोतल हमारी पूरी फिल हो चुकी है, अब इसका वेट मेज़र कर लेंगे, दिखा सकते हैं हम रीडिंग भी आप लोगों को। तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 10.287 ग्राम। मास ऑफ आरडी बोतल विद, मास ऑफ आरडी बोतल विद वाटर, अभी खाली बोतल का मास इतना था, इसका जो मास आया वो कितना है 10.287 ग्राम आया। तो ये जो आरडी बोतल का मास आया है वो वाटर के साथ आया। अब हम निकालेंगे वेट या मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वाटर का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये भरी हुई बोतल है जिसमें आरडी बोतल का भी मास है और ये खाली आरडी बोतल है, तो इससे अगर मैं इसको माइनस कर लूँ 10.287 ग्राम माइनस 3.175 ग्राम, तो ये जो किसका मास आने वाला है, वाटर का मास आ जाएगा। तो वाटर का मास निकल के आ जाएगा, वो अभी बताते हैं फिर आगे क्या करना है। फिर सिमिलरली यही काम हम दोबारा करेंगे, वैकेंट आरडी बोतल का वेट तो हमने मेज़र कर लिया था, अब हमने आरडी बोतल को फिल कर लिया है काई के साथ, K2Cr2O7 वाले लिक्विड सॉल्यूशन के साथ। इसका वेट को मेज़र कर लेते हैं, देखते हैं इसका वेट कितना आता है, कितना आ रहा है ये 10.834। यहाँ पे ये शो कर लेंगे, वैकेंट आरडी बोतल का वेट इतना था, इसका आया 10.834 इसका वेट आया है, इससे इसको माइनस कर लेंगे। ये आरडी बोतल का वेट है लिक्विड के साथ और ये खाली बोतल का वेट है, तो लिक्विड से भरी हुई बोतल में से खाली बोतल का वेट माइनस कर लेंगे तो हमारा मास ऑफ क्या आ जाएगा, लिक्विड का मास आ जाएगा। बाकी जो हमारी आरडी बोतल्स हैं वो 25 ml की आरडी बोतल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना वॉल्यूम होने वाला है, 25 ml का वॉल्यूम होने वाला है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं इस प्रैक्टिकल में। तो ये जो कैलकुलेशन है, वैकेंट का निकाला, फिर आरडी बोतल विद वाटर के साथ निकाला था, वाटर का वेट कैसे आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, तो हमारे बच्चे बताएंगे कितना आंसर आया इसका निकल के, 112 ग्राम इसका वेट आया। फिर लिक्विड के लिए करेंगे, तो वो तो वाटर के लिए आया, लिक्विड के लिए इससे इसको सेपरेट करेंगे, आंसर 7.659 इसका वेट आ गया। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रैक्टिकल में जो हमें आगे का। तो अब असली इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, डेंसिटी की, तो डेंसिटी को मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मूले को आगे बढ़ा देता हूँ। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू टाइम फॉर लिक्विड मास ऑफ वाटर विद वॉल्यूम ऑफ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू टाइम फॉर वाटर, ये कैलकुलेट करेंगे विस्कोमीटर से, और ईटा ऑफ ये, अगर ये मैं वॉल्यूम बोलूँ तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो था आरडी बोतल में 25 ml था दोनों के लिए ही, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे इस फॉर्मूले में मास ऑफ लिक्विड चाहिए वो ये है, मास ऑफ वाटर चाहिए उसकी कैलकुलेशन ये है, अब टाइम ऑफ लिक्विड टाइम ऑफ वाटर निकालना है, वो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की हेल्प से निकालेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं बता दूं कि 0.01 पॉइज होती है, और विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज होती है, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो टाइम कैसे निकालेंगे उसको प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब टाइम फॉर लिक्विड, ये वाटर है, वाटर को हम इसमें फिल कर लेंगे, एक साइड से भर लेंगे विस्कोमीटर के और दूसरी साइड से हम क्या करते हैं इसमें सक करते हैं, एक साइड से भरना है, दूसरी साइड से नहीं भरना है, इस वाली साइड से भरना है, और इस साइड पे हमारे पास विस्कोमीटर में यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, इसको बी मार्क पढ़ लेंगे, इसको ए मार्क, यहाँ से इसको सक करेंगे, खींचेंगे, और खींचने के बाद इसे बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने पर कितना टाइम ये लेगा, जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ आने पर लगेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टी ऑफ वाटर। और सिमिलरली यही काम हम फिर दोबारा इस लिक्विड के लिए भी करने वाले हैं। तो
स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे आंचल वॉलेंटियर हैं आगे। ये यहाँ पर से हमारा बी मार्क तक हमने लिक्विड फॉर्म फिल कर लिया है और इसको हम यहाँ पर से क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ आने पे टाइम रीडिंग नोट कर लेंगे कि बी मार्क तक दिखा देना। यहाँ पे बी मार्क है और इस पॉइंट पर क्या मार्क है, ए मार्क है। तो इसको हम रिलीज़ करेंगे तो बताएंगे बी से ए आने पर टाइम कितना निकलेगा। हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेते हैं, स्टॉप वॉच दिखा देंगे और जब मैं बोलूँगा 3 2 1 तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना। 3 2 1 स्टार्ट। तो हमने इसे रिलीज़ कर दिया है प्रेशर को और ये यहाँ से यहाँ आने पर इसको स्टैंड पे लगा देंगे और स्टैंड पे ये अब टाइम बता देगा। यहाँ से यहाँ आने पर बी पॉइंट से ए मार्क तक आने पे कितना टाइम लगेगा, उस टाइम रीडिंग को नोट कर लेंगे स्टॉप वॉच से, फिर देखेंगे कितना समय लगेगा। जो टाइम आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, टी डब्ल्यू की। मुझे इस प्रैक्टिकल में क्या क्या पता चल चुका है, एम एल पता चल चुका है, एम डब्ल्यू पता चल चुका है, वॉल्यूम तो 25-25 एम एल की आरडी बॉटल थी, इससे कैलकुलेट मैथ्स की कैलकुलेशन से ये कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे टी डब्ल्यू मिल जाएगा। अब मुझे बस क्या निकालना है, टी एल। तो यही काम फिर से दोबारा से हम किसके लिए कर लेंगे, दूसरे लिक्विड के लिए कर लेंगे। जब मुझे ये सब पता चल जाएगा और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी तो सारी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास किसका विस्कोसिटी आ जाएगा, लिक्विड का विस्कोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। इसी इस प्रैक्टिकल में यही करना होता है। ये जो काम हम यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने का टाइम रीडिंग नोट करेंगे, एक्चुअली ये तीन टाइम करेंगे और एक एवरेज वैल्यू लिख लेंगे कि यहाँ से यहाँ आने पर कितना समय लगा है, उस टाइम रीडिंग को नोट करके हमारा प्रैक्टिकल स्वाहा हो जाएगा। फिलहाल अब वहीं पर नीचे जब बोलूँगा तब ऑन कर लेंगे। बोलूँ अभी ये ऑलमोस्ट होने वाला है, ये बी मार्क यहाँ दिखाई दे रहा होगा और ये ए मार्क है। अभी लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते यहाँ पहुँच गया है। ए मार्क पर आते आते जब मैं टाइमिंग रीडिंग बता देंगे, ये हमारा टाइम 6:48। तो इस वैल्यू में जो हमारे पास इस प्रैक्टिकल में जो टाइम की रीडिंग आई है वो आई है 6:45 सेकेंड। अब यही काम हम किसके लिए करने वाले हैं, किसी दूसरे लिक्विड के लिए, और लिक्विड की ही विस्कोसिटी निकालने वाले हैं इससे। फिलहाल लिक्विड का टाइम रीडिंग नोट करेंगे तो फिर हमने इसमें इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में हमने क्या कर लिया है, लिक्विड फिल कर लिया है। इसको बी मार्क तक लेके जाएंगे और बी से ए आने पर टाइम रीडिंग नोट करेंगे। तो बी फिर से सक कर लेंगे, स्टॉप वॉच भी पकड़ लो इससे थोड़ी देर के लिए, जब मैं स्टार्ट करने के लिए बोलूँगा तो स्टार्ट कर देना, ठीक है। हमारा ये बी मार्क तक फिल हो चुका है हमारा लिक्विड, इस लिक्विड के प्रेशर में रिलीज़ कर रहा हूँ और बी से ए तक आने पर छोड़ देंगे, ऑन कर लेंगे। तो अब टाइम रीडिंग नोट कर लेंगे कि बी पॉइंट से ए मार्क तक आने पर कितना टाइम इसको लगेगा। वो जब टाइम हमारा आ जाएगा इसे स्टैंड पर लगा देते हैं। तो हमारी किसकी रीडिंग आ जाएगी प्रैक्टिकल करते हुए, टी एल की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखें तो तब तक हमारा टाइम जब तक निकल रहा है कितना टाइम लगेगा उसको करते समय, हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ चुकी है 6.45। और विस्कोसिटी फॉर वाटर के लिए मैंने कहा कितना होता है, 0.01 पॉइज होता है। सारा डेटा आ जाएगा तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे ही ये निकल के आएगा उसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल स्वाहा हो जाएगा। बाकी फिलहाल अभी देखते हैं कितना टाइम। ये हमारी रीडिंग आ गई है, पूरा बी पॉइंट तक आ चुका है, बी से ए पर आ चुका है, 7:02 7 मिनट लग गए हैं ऐसे होते होते। अब यहाँ पे इसकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 7 मिनट। तो होप आपको ये वाला पार्ट तो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम एक्चुअली में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमें असली प्रैक्टिकल करना था। तो उसके लिए हम इसको फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेना वीडियो में, ये वीडियो वैसे तो डेटा तो आपको ही कैलकुलेट करना है। तो हमने विस्कोसिटी फॉर लिक्विड निकालेंगे तो क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड वैल्यू कितना आया था, 7.654
इनटू टाइम रीडिंग फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए कितना आया है 7 मिनट अपॉन मास फॉर वाटर, वाटर का मास कितना आया था 7.112 इनटू टाइम फॉर वाटर के लिए कितना आया था 6.45 इनटू विस्कोसिटी फॉर वाटर 0.01 पॉइस। ऊपर वाली कैलकुलेशन कितनी आ रही है इसे कैलकुलेट करके बताओ, ये इनटू ये कितना आ रहा है एग्जैक्टली। तो फाइनली हम इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला आंसर आ रहा है, और जो ओवरऑल डिवाइड करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1167 पॉइस। तो आपकी जो विस्कोसिटी लिक्विड की थी वो वाटर की थी वो 0.01 थी, इसकी जो आ रही है 0.1167 पॉइस आ रही है। ज़्यादा आनी भी चाहिए थी क्योंकि लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा वाटर के कंपैरिजन में, तो इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अच्छा यूनिट कैसे निकाली, इसकी यूनिट देखेंगे तो ग्राम, ये मास है ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ml से ml, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मिनट, ये भी मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, जो भी यूनिट आएगी वो इसकी वजह से आएगी, और इसकी यूनिट क्या थी पॉइस, तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगी पॉइस। इसी के साथ हमारा ये वीडियो स्वाहा हो गया है, प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है, तो होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, कल पियेंगे खून, हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। उससे पहले हमारी एक बार सारी टीम को दिखा दो, हमारे कैमरामैन अशोक के साथ, कैमरामैन सिद्धार्थ, एक बार सबको दिखा दो, ये हमारी क्लासरूम है, और कुछ बोल भी सकते हैं ये, चैनल बोल, अच्छा ठीक है, अभी ये हमारे कैमरामैन भी देख लो, ये बहुत स्मार्ट बॉय है।